सो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज देखेंगे हम मार्केट एनालाइज वीडियो। आज देखेंगे हम निफ्टी कहाँ पे जाएगा। निफ्टी को हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम इसको देखेंगे तो ये डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन में दिख रहा है। डब्लू पैटर्न ब्रेकआउट दे सकता है, ये देखिए। इस तरह हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। हम इस तरह देखेंगे इसको, ये डब्लू पैटर्न जैसा है, मेरे को समझ रहा है। यहाँ से मार्केट आ गया, यहाँ तक गया, फिर यहाँ से नीचे आना, यहाँ पे डब्लू फॉर्मेट डब्लू पैटर्न बनाया, फिर यहाँ से सीधा ऊपर गया, बूम, फिर यहाँ से सीधा नीचे आया, डिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से और डब्लू पैटर्न का फॉर्म डब्लू पैटर्न बनाया, फिर यहाँ से सीधा बूम। ओके, ठीक है। और जैसी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करता है, ये जैसी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करता है तो आप बाइंग में जा सकते हैं। और हम सेलिंग की बात करें तो सेलिंग हम 300 नहीं बाइंग सॉरी बाइंग 335 रुपये के ऊपर। अगर कल मार्केट अगर फर्स्ट कैंडल ही 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल ग्रीन दे दे तो आपको बाइंग साइड में जाना है। अगर 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 आपने सेलिंग में जाना है तो सेलिंग में अपने को हम प्लान करेंगे कि यहाँ से मार्केट यहाँ से बहुत रिजेक्शन लिया है और नीचे फॉल हुआ है, तो यहाँ से हम ट्रेंड लाइन ऐसी खींचेंगे। ओके, तो यहाँ से अगर 256 रुपये का अगर लेवल निकालता है मार्केट तो हम सेलिंग के साइड जाएंगे, ठीक है। तो गाइस, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर लो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए।